तो दोस्तों, क्या आपको भी फेसबुक के ऊपर इस तरह का एरर देखने को मिल जाता है? ट्रबल लोडिंग, टैप टू रिट्राई, इस तरह का प्रॉब्लम्स आ जाता है। कुछ भी अगर एक्टिविटी करते हैं फेसबुक के अंदर, इस तरह का आ जाता है। या फिर दोस्तों, यहाँ पर आप फेसबुक टीम को रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं या फिर कोई भी अदर चीज़ करते हैं, तो दोस्तों इस तरह का अगर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलता है तो आखिरकार क्यों देखने को मिलता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। जानने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादातर प्रॉब्लम जब आती है, जब हम फेसबुक टीम को जो प्रॉब्लम जो होती है उसको रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रॉब्लम को आपको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और जो आपकी फेसबुक एप्लीकेशन है इसको अपडेट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, ये आपको कर लेना है। एंड उसके बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग के अंदर जाना है। एंड यहाँ पर आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी आपका सिम कार्ड एक नंबर दो नंबर वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एंड उसके बाद उसे यहाँ पर आइएगा, रोमिंग डाटा को एक बार ऑन करिएगा और एक बार ऑफ करिएगा। ठीक है, ये आपको कर देना है। एंड परफेक्ट नेटवर्क पर जाकर वहाँ पर जो भी आपके एरिया में नेटवर्क है उसको सेलेक्ट कर लेना है। 4G है तो 4G, 5G है 5G। ठीक है, उसके बाद उसे यहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम के ऊपर चले जाना है। यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके रिसीट टू डिफॉल्ट कर देना है। तो उसको जैसे यहाँ पर कर देंगे तो उसके यहाँ से आप कुछ नहीं करना, बैक आना है और आपको अपने फ़ोन को जो एक बार रीस्टार्ट करना है और दोबारा से दोस्तों आपको ट्राई करना है। ये दोस्तों आपकी प्रॉब्लम जो होती है, ये आपके जो है इंटरनेट इशू के कारण दोस्तों प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर कोई भी इसमें इशू नहीं होता है। वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो लाइक कर